इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विश्व मित्र परिवार, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष। विश्व मित्र परिवार मना रहा है वन महोत्सव 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हर उत्सव एक वृक्ष। विश्व मित्र परिवार के वृक्षारोपण महाअभियान से जुड़े 11 करोड़ वृक्षारोपण में आपकी हो भागीदारी। विशेष जानकारी vishwamitraparivar.org पर। मोबाइल नंबर है 9999466822। साइकिल जुलूस। राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर पार्टी के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता जिला से लेकर प्रखंड एवं बूथ स्तर पर सड़क पर डीजल पेट्रोल के महंगाई के खिलाफ और नरेंद्र मोदी एनडीए नीतीश की सरकार को ढहाने का काम करके गद्दी से उतारने का काम करेंगे। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो हमारा गठबंधन यूपीए की सरकार से था। उस समय कच्चे तेल का दाम ज्यादा होने के बावजूद भी यूपीए सरकार ने डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं किया। लेकिन आज कच्चे तेल के दाम भी कम है लेकिन डीजल पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई। इस एनडीए गरीब विरोधी सरकार ने करने का काम किया है जिसको लेकर राजद के एक एक कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर 5-5 किलोमीटर साइकिल चलाने का काम करेगा। साथ ही लोगों में यह संदेश भेजने का काम करेगा कि यह सरकार गरीब विरोधी है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के नरसंडा चौक के समीप से राजद के पूर्व प्रत्याशी हैदर आजाद ने राजद नेताओं के साथ आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कम करो, कम करो, कम करो, कम नहीं तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कम नहीं तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दामों में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर साइकिल यात्रा निकाला जो कांटी प्रखंड के कई क्षेत्रों में घुमाया गया। ऐसे ही साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश में हुआ है। जनता दल आज अपनी पार्टी का 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। आपको बता दूं कि 1997 में जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल की नींव रखी थी। स्थापना दिवस शुरू होने से पहले प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बढ़ते हुए दामों के खिलाफ आज अपने आवाज से अपने समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। खबर बिहार के लिए कैमरा पर्सन विनय मालवीय के साथ मैं आशीष कुमार, पटना।